How many different ways can 15 candy bars be distributed between Ram, Shyam, Ghanshyam and Balram? So again, सबको मैं represent करता हूँ किसे? R, Ram is R, Shyam is S, Ghanshyam is G and Balram is B. If Ram cannot have more than 5 candy bars and Shyam must have at least 2, assume all the candy bars to be alike. So let's say हमारे पास में कितनी है 15 कैंडी बार्स है ना. तो अब क्या बोलता हूँ, हमें गिवन है कि श्याम मस्ट हैव एटलीस्ट टू. तो मींस ऐसा करते हैं, इसके पास मस्ट हैव टू मींस होनी चाहिए टू, तो इसको मैं टू दे देता हूँ. ठीक है, हमारे पास अब कितनी चॉकलेट्स बची, थ्री है ना. अब ये टू है, उसके अलावा श्याम के पास और भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों केस है. अब हमें एक कंडीशन और गिवन है, राम कैन नॉट हैव मोर देन व्हाट, मोर देन 5 कैंडी बार्स. तो मींस राम कितनी कंसीड कर सकता है, आइदर राम हमारे पास में नाउ, अभी हमारे पास में कितनी चॉइसेस हैं. अब हमारे पास में अगर लेट से ये कहे 2 प्लस एस डैश लिख देता हूँ मैं, ये कितनी चॉकलेट्स हैं जो हमने श्याम को दी हैं, तो टोटल क्या जाएगा हमारे पास में, राम प्लस 2 प्लस एस डैश करने से यहाँ जाएगा ओनली एस डैश प्लस घनश्याम प्लस बलराम, है ना. इन सबको मिला के अब मुझे कितनी चॉकलेट्स देनी है, 13. अब अगर पहले हम देख रहे थे तो पहले हमें एटलीस्ट 2 देनी थी शाम को, लेकिन अब यहाँ शाम डैश आ गया है, मींस इसको मैं 0 भी दे सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 है और हमें गिवन है कि उसके पास 2 होनी चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे एक भी चॉकलेट नहीं दूंगा एस डैश को, तब भी क्या होगा, उसके पास 2 चॉकलेट ऑलरेडी होगी, वो हम दे चुके हैं और हमें ऑलरेडी गिवन है कि सारी चॉकलेट सेम है, तो केस रिपीट होने का कोई केस ही नहीं है. ठीक है, अब हमारे पास में ना क्या केसेस हो सकते हैं, हमें गिवन है कि राम कैन नॉट हैव मोर देन 5 कैंडी बार्स. तो राम के पास कितनी हो सकती है, आइदर राम के पास हो सकती है, राम के पास हो सकती है 0, आइदर राम के पास हो सकती है 1, आइदर राम के पास हो सकती है 2, आइदर राम के पास हो सकती है 3, ऐसे करते करते कितनी हो सकती है मैक्स, 4 एंड देन 5. ओके, ये हो गया हमारे पास में पॉसिबल केसेस. अगर 0 हुई तो उस केस में आ जाएगा एस डैश प्लस जी प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल 13 के इक्वल. मीन्स हमें श्याम डैश घनश्याम और बलराम को ही 13 चॉकलेट्स देनी है. इस केस में क्या हो जाएगा, एस डैश प्लस जी प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 12. इस केस में कितना हो जाएगा वो, सम 11 के इक्वल, इस केस में 10 के इक्वल, यहाँ पे 9 के इक्वल और यहाँ पे 8 के इक्वल. अब अगेन हमें यहाँ पे देखेंगे, पहले केस में हमें पास 13 आइडेंटिकल चॉकलेट कैंडी बार्स हैं जिन्हें हमें श्याम डैश घनश्याम और बलराम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमें इतना पता है कि हम किसी को भी 0 दे सकते हैं, क्योंकि अब तो श्याम डैश को मैं ऑलरेडी 2 दे चुका हूँ शाम को, तो 2 उसके पास ऑलरेडी है, तो और देना 0 भी दूंगा तो भी उसके पास 2 होंगी. और घनश्याम और बलराम के बारे में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें ये नहीं गिवन कि उनमें से किसी के पास भी ऐसा है कि चॉकलेट होगी होगी, तो कोई कंडीशन नहीं है. मीन्स 13 आइडेंटिकल थिंग्स को हमें 3 डिफरेंट पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितने वेज होते हैं, एन प्लस आर माइनस 1, तो हो जाएगा सिंपली n प्लस आर विच इज 13 प्लस 6, 3 माइनस 1 इज 15, सी 2, फिर आएगा 12 प्लस 2 तो आएगा 14, सी 2, फिर आएगा 11 प्लस 3 माइनस 1 इज 13, सी 2, वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 12 सी 2, फिर आएगा 11 सी 2 एंड सिमिलर लास्ट में आएगा 10 सी 2. ओके, तो इन सब का सम हमारे पास में आ गया. अब अगर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं सिंप्लीफाई करके, तो क्या आएगी देखते हैं. तो ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 15 सी 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 बाय 2 विच इज इक्वल टू, तो 15 इंटू 7 कितना होता है, 105. ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 13 इंटू 7 विच इज 91, फिर हो जाएगा 13 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 78, ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 11 इज 66, ये आ गया 11 इंटू 5 इज 55. ओके, देन क्या आएगा हमारे पास में, यह आएगा 9 इंटू 5 इज 45. ओके, इन सबका सम देखते हैं अब क्या आता है. तो 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, तो आ गया 0. देन 10 प्लस 3 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 7 इज 29, 29 प्लस 6 इज 35, 35 प्लस 9 इज 44, तो आ गया हमारे पास में ओवरऑल सम कितना गया सबका, 440 के इक्वल. तो हमारे कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 440 वेज में. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.